देखो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम मैंने फॉर्मूला सबको दे दिया था। फॉर्मूला आपको पता होगा, फिक्स बेस और चेन बेस। यहाँ पे एक सम है, सम नंबर वन, एक्सरसाइज 1.1, सम नंबर वन। इसमें तीन क्वेश्चंस है। नंबर वन, फिक्स बेस इंडेक्स नंबर टेकिंग 2008। नंबर टू, चेन बेस इंडेक्स नंबर। एंड नंबर थ्री, टेकिंग एवरेजेस ऑफ एवरेज, शॉर्ट में लिखा है मैंने, एवरेजेस ऑफ एवरेज ऑफ 2011 टू 2013 बेस ईयर प्राइस। ओके, यहाँ पे ईयर है, यहाँ पे प्राइस है। ईयर में मैंने एक एक पॉइंट छोड़ के आपको लिखना है। देखो, मेरा फेस आ रहा है ना आपको? ओके, अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, आमने सामने के पेज पे जाना है। ये पहले पेज में आपको मार्जिन की जो जगह है, अगेन आई रिपीट, फर्स्ट पेज पे मार्जिन की जगह आपको छोड़ देना है। अगेन आई रिपीट, फर्स्ट पेज पे मार्जिन की जगह नहीं रखनी है। ओके, उसके बाद ये मेरे पास ईयर है, मेरे पास प्राइस है। ओके, फर्स्ट वन इज दैट फिक्स बेस इंडेक्स नंबर। ओके, फिक्स बेस इंडेक्स नंबर जाना है। यहां तक जाएंगे तो मेरा फर्स्ट पेज आर कंप्लीट। फर्स्ट पेज पे आपको एक, दो और तीन करना है। सेकंड पेज में मार्जिन यूज करना है। यहां पे रहेंगे चेन बेस इंडेक्स नंबर और यहां पे फिर से फिक्स बेस इंडेक्स नंबर्स। ओके, ऐसे हमको जाना है। देखो, बिल्कुल ऐसा बनाना है। अब देखो, कोई भी सम करो, पहले फॉर्मूला करनी पड़ेगी। अगेन आई रिपीट, कोई भी सम पहले फॉर्मूला आएगी। ओके, यहां पे लिख रहा हूं इंडेक्स नंबर इक्वल टू प्राइस ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाई 100। अगेन आई रिपीट, प्राइस ऑफ करंट ईयर डिवाइडिंग बाय प्राइस ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाई 100। यहां पे लिखना जरूरी है, जगह नहीं है, लेकिन लिख रहा हूं 2008 इक्वल टू बेस ईयर प्राइस। लिखना जरूरी है 2008 बेस ईयर प्राइस, यहां पे लिखना जरूरी है। पहले यही सब कर रहा हूं, 2008 को बेस ईयर लेना है। देखो 2008 275, मैंने बता दिया बेस ईयर की प्राइस है। फिक्स बेस मेथड में ऑलवेज 275 इज फिक्स ईच एंड एवरी कैलकुलेशन। सो 275 अपॉन 275 मल्टीप्लाई 100, इज इट क्लियर? ओके, अगेन 284 अपॉन 275 मल्टीप्लाई 100, 289 अपॉन 275 मल्टीप्लाई 100, 293 275 मल्टीप्लाई 100, 297 275 मल्टीप्लाई 100, 313 275 मल्टीप्लाई 100, 328 275 मल्टीप्लाई 100, 345 275 मल्टीप्लाई 100। देखो, कुछ भी नहीं किया है। यहाँ पे 2008 बेस ईयर लेना है तो मैंने सबके नीचे 275 ही रखा है। क्लियर? ओके, ध्यान रखो यहाँ पे चेन बेस में आंसर अभी ला रहे, आंसर लास्ट में लाएंगे। चेन बेस इंडेक्स नंबर, तो यहाँ पे रख रहा हूं इंडेक्स नंबर इक्वल टू प्राइस ऑफ करंट ईयर डिवाइडिंग बाय प्राइस ऑफ प्रीसीडिंग ईयर मल्टीप्लाई 100। अगेन आई रिपीट, प्राइस ऑफ करंट ईयर डिवाइडिंग बाय प्राइस ऑफ प्रीसीडिंग ईयर मल्टीप्लाई 100। ओके, मैंने बता दिया चेन बेस मेथड में पहले की कैलकुलेशन कुछ भी नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं रखनी है, डायरेक्ट फर्स्ट इंडेक्स नंबर इज 100। इज इट क्लियर? ओके, नाउ अगेन
इन ईच एंड एवरी स्टेप्स वी टेकिंग करंट ईयर डिवाइडिंग बाय प्रीसीडिंग ईयर. व्हिच वन इज द करंट ईयर? अ कैलकुलेशन इन द ईयर व्हिच इज कैलकुलेटिंग कॉल्स करंट ईयर. प्रीसीडिंग ईयर डिवाइडिंग बाय 275 मल्टीप्लाई 100. कुछ भी नहीं करना है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई 100. क्लियर? अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन. देखो अब यहां पे करेंगे 289 अपॉन 284 मल्टीप्लाई 100. यहां पे 293 अपॉन 289 मल्टीप्लाई 100 एंड 297 अपॉन 293 मल्टीप्लाई 100. ओके नाउ कीप एज इट इज 313 297 मल्टीप्लाई 100 एंड 328 डिवाइडिंग बाय 313 मल्टीप्लाई 100 देन लास्ट 345 अपॉन 328 मल्टीप्लाई 100. इज इट क्लियर? 100%. मैंने दो मेथड बताई. फर्स्ट वन इज फिक्स्ड बेस. फिक्स्ड बेस में प्राइस आर ऑलवेज फिक्स. यहां पे 2008 बेस ईयर है तो 2008 की प्राइस फिक्स करो. अगर क्वेश्चंस में दिया है 2012 की प्राइस, बेस ईयर प्राइस लेनी है तो 297 सबके बेस में जाएगी. क्लियर? अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहते व्हिच ईयर वी टेकिंग एज ए बेस ईयर, सो वी सिलेक्ट फर्स्ट ईयर एज ए बेस ईयर व्हिच इज द 2008. इज इट क्लियर? ओके यहां पे दो मेथड खत्म हो रही है, ए फिक्स बेस, ए चेन बेस. अब जा रहे हैं एवरेज मेथड में. यहां हमको बताया है टेकिंग एवरेजेस ऑफ एवरेज ईयर 2011 टू 2013 टेकिंग एज ए बेस ईयर. तो यहां पे लिखना पड़ेगा एवरेज, शॉर्ट में लिख रहा हूं, बेस ईयर प्राइस इक्वल टू एवरेज बेस ईयर प्राइस. कौन कौन से बेस ईयर है? 2011 टू 2013. देखो यहां पे काम है ये रहा. यस मिल गया मुझे, आपको मिला क्या? मिल गया 2018, 11, 12 एंड 13. तो 11 की प्राइस कितनी है? 293. 93 लिखा है मैंने. 297 प्लस 313 डिवाइडिंग बाय 3. 293 चलो ओके, 293 प्लस 297 प्लस 313 डिवाइडिंग बाय 3. टोटल कितना हुआ कुल मिला के? 903 डिवाइडिंग बाय 3, सो 301 इज फिक्स. 301 इज फिक्स. देखो यहां पे 3 ईयर का मूविंग एवरेज है, 3 ईयर का टोटल चाहिए तो मैंने क्या किया, नंबर ऑफ ईयर डिवाइडिंग बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर. इज इट क्लियर? अगर 2 ईयर की एवरेज चाहिए तो डिवाइडिंग बाय 2 लूंगा, 4 ईयर की एवरेज बोलते तो डिवाइडिंग बाय 4 लूंगा. ओके 301 each and every value is divide 301, so it's simply clear 275 284 289 293 297 313 328 and 345 which all are divided by 301 multiplied by 100, 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 301 multiplied by 100. इसमें लेबर ज्यादा है, ध्यान रखना, ये पूरे चैप्टर में लेबर सबसे ज्यादा है. इज इट क्लियर? यहां पे अब वन बाय वन हम कैलकुलेशन करके आंसर रखेंगे. ये मेथड पता चल रही, अब कैलकुलेशन रखना है. पता चल गया? ओके देख लो. देखो अब स्टूडेंट्स आपके पास आंसर है.
मैंने कैलकुलेटिंग कर दी है। कैलकुलेटिंग के बाद आपके पास जो आंसर है वही खाली लिखना है, खाली ऊपर नीचे मल्टीप्लाई 100 करना है, इसमें कुछ नहीं है। ये जो ऊपर नीचे है ना उसको क्या बोलते हैं, प्राइस रिलेटिव बोलते हैं। अगेन आई रिपीट, ये जो ऊपर नीचे है उसको प्राइस रिलेटिव बोलते हैं। इज इट क्लियर? देखो फिक्स बेस में वैल्यू सेम रहती है, चेन बेस में वैल्यू ऊपर नीचे मल्टीप्लाई 100, लेकिन फर्स्ट में खाली 100 ही लेना है और लास्ट में मैंने क्या किया है, एवरेज मेथड में गया हूँ। ये एवरेज मेथड में एवरेज निकाल के जो भी आंसर आएगा वो फिक्स हो जाएगा। क्लियर है? ओके देखो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 1.1 सम नंबर 3 उसका क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि टेकिंग 2011 एज ए फिक्स ईयर एंड ऑल्सो ऑप्टेन फ्रॉम चेन बेस मेथड ऑल्सो, यानी हमको फिक्स बेस से भी करना है चेन बेस से भी करना है, ये सम नंबर 3, तो हम कैसे करेंगे वो देख लो। अब ये जो क्वेश्चन है इसको मैंने इस हिसाब से अलग अलग पेज पे फॉर्मेट किया है। फर्स्ट वन इज दैट फिक्स बेस इंडेक्स नंबर एंड सेकंड वन इज दैट चेन बेस इंडेक्स नंबर। स्नेहल सर ने बता दिया कोई भी सम करो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला रखनी पड़ेगी। मैंने यहाँ पे लिखा फिक्स बेस इंडेक्स नंबर इक्वल टू प्राइस ऑफ करंट ईयर डिवाइडिंग बाई प्राइस ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाई 100। चेन बेस में बिल्कुल प्राइस ऑफ करंट ईयर प्राइस ऑफ प्रीसीडिंग ईयर मल्टीप्लाई 100। क्लियर? ओके अब देखो जो वैल्यू थी ना उसमें मार्जिन से मैंने शुरू कर दिया, मार्जिन से। अब देखो यहाँ पे जो वैल्यू है उसके कॉर्नर में मुझे आंसर लाना है, ये कॉर्नर में आप लोग सुन लो, ये कॉर्नर में मुझे आंसर लाना है। ठीक वैसे मुझे एक कॉर्नर में भी आंसर लाना है। खाली सिस्टम सुन लो, वैसे लेबर बहुत आती है इसमें। ओके अब फिक्स बेस में कौन सा ईयर फिक्स है देख लो, कौन सा ईयर फिक्स है, 2011 फिक्स है। देख तो 2011 यानी सब में ये लाइन में, ये पूरी लाइन में 18 है वो बेस में आ जाएगा, यानी सब में डिवाइडिंग बाय 18 करते हैं फिक्स होगा, यानी 18/18 मल्टीप्लाई 100 18.5/18 मल्टीप्लाई 100 18.9/18 मल्टीप्लाई 100 19/18 मल्टीप्लाई 100 19.5/18 मल्टीप्लाई 100। ये खाली वेट में खाली 18 कॉमन हो गया, इसमें कौन सा कॉमन रहेगा 30। सो 30/30 मल्टीप्लाई 100 36/30 मल्टीप्लाई 100 38/30 मल्टीप्लाई 100 38/30 मल्टीप्लाई 100 39/30 मल्टीप्लाई 100। नाउ ये पूरी लाइन में 30 फिक्स हो जाएगा, 30/30 मल्टीप्लाई 31/30 मल्टीप्लाई 32/30 मल्टीप्लाई 100 34/30 मल्टीप्लाई 100 36/30 मल्टीप्लाई 100। क्लियर? अब तो खाली कैलकुलेशन करनी है, ये कैलकुलेशन देखो, इसका आंसर आएगा 100, इसका भी आंसर आएगा 100, इसका भी आंसर आएगा 100। अब देखो यहां पे चाहिए टोटल, टोटल मेरे पास आ गया 300। यहां पे चाहिए एवरेज इक्वल टू टोटल डिवाइडिंग बाय 3। अगेन आई रिपीट, ये मैंने लिखा है एवरेज, एवरेज इक्वल टू टोटल डिवाइडिंग बाय 3। टोटल कितना है मेरे पास 300, डिवाइडिंग बाय कितना लिखना है 3। व्हाई 3? 3 बिकॉज ऑफ यहां पे मेरे पास 3 आइटम है तो डिवाइडिंग बाय 3 लिखूंगा, मेरे पास 4 आइटम है डिवाइडिंग बाय 4 में जाऊंगा। इट्स क्लियर? नाउ आंसर इज दैट आंसर कॉल इंडेक्स नंबर, आंसर को क्या बताएंगे हम, इंडेक्स नंबर। पहले वाला का आंसर आ गया 100, दूसरे में ये कैलकुलेशन करो यहां पे तीनों का टोटल डिवाइडिंग बाय 3, यहां पे आंसर
ठीक वैसे कैलकुलेशन डिवाइडिंग बाय 3 आंसर इज दैट अगेन कैलकुलेशन डिवाइडिंग बाय 3 आंसर डिवाइडिंग बाय 3 कॉस आंसर. बोलो क्लियर हो गया. फिक्स बेस में यहां पे टेबल वाली मेथड पूरी कुछ भी नहीं करना है, मैंने बता दिया सब में. इसमें सबसे फेज में 18 जाएगा, सबके बेस में 30, सबके बेस में 30. क्लियर. ये मैंने एवरेज निकाली है, वो आपको करना है. ओके यहां पे ध्यान रखो चेन बेस इंडेक्स नंबर. चेन बेस पे क्या करना है मैंने बता दिया. चेन बेस में फर्स्ट ईयर का इंडेक्स नंबर बिना कैलकुलेशन आपको 100 ही रखना है. यहां पे टोटल लगाओ तो 300 आया, यहां पे एवरेज इक्वल टू टोटल डिवाइडिंग बाय 3 यानी 300 डिवाइडिंग बाय 3 तो मेरा आंसर यहां पे आया इंडेक्स नंबर इक्वल टू 100. देखो चेन बेस में क्या करना है, ये डिवाइडिंग बाय ये चेन बेस ऊपर नीचे चेन बनानी है 18.5 अपॉन 18. बोलो क्लियर. अगेन 18.9 अपॉन 18.5 ए डिवाइडिंग बाय ए मल्टीप्लाई 100. 19 अपॉन 18.9 मल्टीप्लाई 100. 19.5 अपॉन 19 मल्टीप्लाई. क्लियर. ठीक वैसे 36 अपॉन 30 मल्टीप्लाई 100. 38 अपॉन 36 मल्टीप्लाई 100. 38 अपॉन 38 मल्टीप्लाई 100. 39 अपॉन 38 मल्टीप्लाई 100. सेम 31 अपॉन 30 मल्टीप्लाई 100. 32 अपॉन 31 मल्टीप्लाई 100. 34 अपॉन 32 मल्टीप्लाई 100 एंड 36 अपॉन 34 मल्टीप्लाई 100. सबके आंसर मैंने बता दिए. खाली 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 कैलकुलेशन ही करनी है, टोटल यहां पे रखना है. ये सबका टोटल यहां पे आ गया. डिवाइडिंग बाय 3 करना है और यहां पे आपका फाइनल आंसर आएगा. स्नेहल सर बता देते हैं मैक्सिमम केस में ए और ए आंसर और ए और ए आंसर सेम ही रहेंगे बिकॉज ऑफ हर एक सम में पहला ईयर आपको 2011 ही देते. ये नॉलेज है, पहला ईयर आपको ही देंगे उसके हिसाब से इसका और इसका आंसर और इसका और इसका आंसर सेम ही रहेगा. यहां पे अपनी ये फर्स्ट वाली मेथड पूरी हो जाती है. अगेन आई रिपीट, मैंने फर्स्ट मेथड कराई बेस ईयर मेथड, उसमें दो मेथड फिक्स बेस एंड चेन बेस. ये फिक्स बेस यहां पे खत्म, चेन बेस यहां पे खत्म. थैंक यू. तो देख लो लास्ट में अपना आंसर आमने सामने पेज पे ऐसा बन जाएगा. ये जो फिक्स बेस था उसमें अब देख सकते हो मैंने पहली लाइन में सबके नीचे 18 रखा है, दूसरे लाइन में 30 रखा है, थर्ड लाइन में भी 30 रखा है, फिर आपको टोटल एवरेज एंड इंडेक्स नंबर. और यहाँ पे आपको जो करना था चेन बेस में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई 100, पहले में डायरेक्ट 100 रखो. ओके और फिर मैंने क्या किया 18.5 अपॉन 18, 18.9 अपॉन 18.5 आप देख के भी कर सकते हो. ओके इतना रखते हैं हम. थैंक यू.